आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। बलिया में खेतों पर पराली जलाने वाले दर्जनों किसानों पर कार्रवाई हुई है। पराली जलाने पर दर्जनों किसानों से 2,500 रुपए वसूले गए। कार्रवाई से किसानों में हड़कंप मचा हुआ है। SDM ने कहा कि पराली जलाते कोई भी किसान पाया गया तो उस पर कार्रवाई होगी। पराली जलाने पर रोक लगाई गई है। अध्यादेश में स्पष्ट उल्लेख है कि जो पराली प्रथम बार जलाएगा उसे 2,500 से लेकर 15,000 तक की जुर्माना लगाई जाएगी। कल मेरे यहाँ नरही थाने के अंतर्गत नया गांव में 7 किसानों की पराली जलाने की सूचना मिली थी, जिसका 2,500 जुर्माना आरोपित। जुर्माना आरोपित करने के पहले उन किसानों को नोटिस तलब किया, सभी को सूचना दी गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी 3 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर पहुंची, जहां बस स्टैंड पर एक AC बस को हरी झंडी दिखाकर लखनऊ वाया दिल्ली के लिए रवाना किया, जबकि दूसरी AC बस को अयोध्या के रास्ते गोरखपुर के लिए झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब भी सुल्तानपुर आती हैं तो यही सोचती हैं कि सुल्तानपुर वासियों के लिए कोई न कोई सौगात देंगी। बहुत लोगों का की मांग ये थी कि बसें चले दिल्ली के लिए, लखनऊ के लिए, तो आज हमने पहली दफ़ा सरकारी बसें चला दी है दिल्ली के लिए, लखनऊ के लिए। आहिस्ते से जहाँ जहाँ कर सकते हैं करेंगे, यहाँ 4 बसें चलेंगी। दूसरी चीज़ जो बच्चों ने मुझसे मांगी थी, KNI उनके उनसे दुगना वो लिया जा रहा है किराया, वो भी किराया हम लोगों ने उसका समाधान करके उनको उतना ही देना पड़ता है जितना वहाँ स्टॉप करते हैं। अखंड नगर के लिए मैम बहुत कम बसें चलती हैं, सुदूर का इलाका है इस जिले का, वहाँ भी चला देते हैं अखंड नगर के लिए। अब आपने बोल दिया, मैं कोशिश करूँगा। मऊ जनपद के हिंदी भवन में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मऊ जनपद का स्थापना दिवस और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 102वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि देने के साथ मऊ के जननायक दिवंगत कल्पनाथ राय को भी याद किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोनों दिवंगत नेताओं के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। गोरखपुर में लेखपाल संघ ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर 3रे चरण में बाइक जुलूस निकाला। तहसील अध्यक्ष दिनेश पंकज ने कहा कि लेखपाल सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि लेखपालों से सभी सरकारी महत्वाकांक्षी योजनाओं का काम कराया जाता है, मगर अब लेखपाल अपने अपने क्षेत्र में ही काम करेंगे और किसी अन्य सरकारी काम के लिए बाध्य नहीं होंगे। प्राथमिक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र ओझा की अगुवाई में गोरखपुर के बेसिक शिक्षा कार्यालय पर बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया गया। इस दौरान कहा गया कि सरकार शिक्षकों की जानबूझकर उपेक्षा कर रही है, उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा, लिहाजा पूरे प्रदेश के शिक्षक 21 नवंबर को सामूहिक अवकाश लेकर इको गार्डन लखनऊ में प्रदर्शन करेंगे। शिक्षकों ने कहा कि जो सरकार व्यवस्था नहीं संभाल सकती उसे इस्तीफा देना चाहिए। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 10 छात्र लुटेरों को गिरफ्तार किया, जिनके पकड़े जाने के बाद सूरजपुर पुलिस ने कई लूटपाट और डकैती की घटनाओं का खुलासा किया। पुलिस की माने तो इन डकैतों ने रेलवे लाइन निर्माण कार्य के दौरान गार्ड को बंधक बनाकर लूटपाट की थी। अब मुखबिर की सूचना पर इन्हें गिरफ्तार किया गया। बदमाशों के पास से टाटा 460 टेम्पो, 4 तमंचे, 2 चाकू बरामद किए गए। आगरा के फतेहाबाद शमशाबाद रोड पर भीषण सड़क हादसा पेश आया। बुलेरो गाड़ी ने बाइक सवार भाई बहन को रौंद दिया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को फौरी तौर से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर निजी अस्पताल रेफर कर दिया। बिजली कर्मचारियों के बाद अब लेखपालों ने प्रदर्शन शुरू किया है। बांदा में लेखपालों ने बाइक रैली निकालते हुए अपनी 5 सूत्रीय मांगे शासन के सामने रखी। आपको बता दें कि 95 लेखपालों ने 150 गांव का अतिरिक्त चार्ज छोड़ दिया है। लेखपालों का कहना है कि 3 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को नहीं माना गया। 8 सूत्री मांगे हैं, उन्हीं के परिपेक्ष में सरकार नहीं मांग रही है, इसी परिपेक्ष में हम लोग बाइक रैली निकाले। क्या मांगे हैं मुख्य? इसमें हमारी वेतन की संगतियाँ है, हमारे लेखपालों की चुनी भर्ती है, लेखपालों के लेखपाल चार क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। मांगे नहीं पूरी होती तो क्या करेंगे? हमारा ये 5 दिसंबर तक हमारा आंदोलन चल रहा है, इसके बाद जो हमारा प्रदेश संघ निर्णय करेगा। हमारी 3 वर्ष से मांगे पेंडिंग पड़ी हुई है, सरकार से बार बार अनुरोध करने के बाद भी सरकार हमारी मांगों को पे ध्यान नहीं दे रही है, जबकि राजस्व परिषद ने लिख के शासन को भेज दिया है। शासन उन मांगों को हमारी कैबिनेट में पास करा के हमारी मांगों को लागू नहीं करवा रही है। सरकार चाहती है कि जनता का कार्य न हो, जनता का कार्य बाधित हो। आज सारे लेखपालों ने जो रिक्त क्षेत्र के चार्ज
के जो बस्ते हैं उनको सारे तहसीलों में पूरे जनपद में जमा हो चुके हैं, लेकिन सरकार की क्यों नहीं देख रही कि जनता की, अगर आपको देखना है बहुत सारे बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, हम चाहते हैं कि सरकार भर्ती करे, लेकिन सरकार भर्ती नहीं करना चाहती है, सरकार जनता को बेवकूफ बनाना चाहती है। कर्मचारी किसी भी हालत में अपनी मांगों को लेकर, लेखपाल लेखपाल जितने भी हैं अपनी मांगों को लेकर ही रहेंगे। इसी परिपेक्ष में आज ये हमारा तृतीय चरण का आंदोलन है जिसपे हम लोग बाइक रैली करेंगे। इसके पहले भी हमारे दो चरण थे वो पूरे हो चुके हैं। इसी चरण को पूरा करने के लिए आप हमारे सभी तहसीलों में तहसील अध्यक्षों की अध्यक्षता में बाइक रैली का आयोजन किया गया है, जिस पर आप सभी लोग हम ही आज बाइक रैली निकाली जा रही है। भिवानी के बॉक्सर ने मंगोलिया में कांस्य पदक जीता है। पदक जीतने के बाद भिवानी पहुंचे बॉक्सर अमन का जोरदार स्वागत हुआ। नगर परिषद चेयरमैन ने उन्हें 51,000 का चेक देकर सम्मानित किया। अमन के कोच विष्णु भगवान ने बताया कि 8 नवंबर से 18 नवंबर तक मंगोलिया में ये एशियन चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, जिसमें अमन तनवर ने अच्छी फाइट करते हुए मुकाबले को कांस्य पदक तक पहुँचाया। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।